विरोध करना शुरू किया। क्या विरोध करना शुरू किया? अधर्म का काम नहीं होना चाहिए। सावित्री बाई महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश की महार मान चमारों की बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, तेली माली कुनबी धनगर सुतार लोहार इनकी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हमने ही कमर कसी हमारे ही शिक्षा के विरोध में, हमने अपने ही पढ़ने लिखने के विरोध में हमने कमर कसी। तब सावित्री बाई फुले को समझ आया कि समस्या सिर्फ शिक्षा में नहीं है, दिमाग में भी है। समस्या हमारे दिमाग में भी है। हमारी महिलाओं को ये भी नहीं समझ आ रहा कि इससे हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। जब सावित्री माई को लगा इनको फायदा अगर बताना है तो कैसे बताएं, तो हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम सवर्ण महिलाएं आयोजित करती थी और उस कार्यक्रम में सवर्ण महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती थी, अपना सौभाग्य जो है वह बना रहे इसकी कामना करती थी, अपनी सहेली के सौभाग्य की कामना करती थी कि भैया मेरा पति सुरक्षित तेरा भी रहे, मेरा भी रहे तेरा भी रहे। ये कार्यक्रम चलता था तो सावित्री बाई फूले ने सोचा ये हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम जो सवर्ण महिलाएं करती हैं इस परंपरा को तोड़ना होगा, इस परंपरा को तोड़ना होगा और तमाम इस बहुजन समाज की दलित पिछड़े और वंचित समाज की महिलाओं को एकट्ठा जमा करना होगा ताकि उन्हें हम ये बता सके कि भैया तुम्हारा वजूद है, तुम्हारा वजूद है, तुम पढ़ लिख सकती हो, सोच समझ सकती हो। ये बताने के लिए सावित्री बाई फूले बोरा भर भर के क्या करती थी, तिल और गुड़ का मिश्रण बनाती थी, जो कहते हैं तीन गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। जो महिलाएं गाली गलौज करती थी सावित्री बाई फूले को, उनको बुलाया, अरे इधर आओ तुम्हारे फायदे का काम है। उनको तिल्ली और गुड़ का मिश्रण बनाकर खिलाती बोरे भर भर के और एक साथ बुलाती, फिर कहती तुम्हारे मन में क्या सवाल आते हैं, तुम क्या सोचती हो, कैसे सोचती हो, अपने विचार प्रदर्शित कर। इस देश के अंदर महिलाओं ने अपना विचार प्रकाशित करना या बताना, बयान करना, बखान करना ये मनुस्मृति के अनुसार पाप है, अधर्म है। धर्म का पाठ करना अधर्म है। इस देश के अंदर महिलाओं की अनुमति पूछना, तुमको पसंद है ये लड़का, ये भी सही नहीं है। अगर लड़की ने मना कर दिया तो इसीलिए, अरे उससे क्या पूछना भैया, हमने कह दिया लड़की हाँ है। ये शादी ब्याह में भी होता है। घर 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 गृहस्थी की बात करो, घर के कामकाज की बात करो, तो बजट की बात हो, शादी ब्याह की बात हो, तुमको नहीं समझता, तुम रहने दो, तुम ना बोलो बीच में, तुम्हें ज्यादा रिश्तेदारी की समझ नहीं है। पति अपने बीवी की तारीफ कैसे करते हैं, हमार वाली तो थोड़ी पागल ही है, हमार वाली को तो कुछ समझता ही नहीं, बीच बीच में बोला करती है। ये हमारी परंपराएं रही है, ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारा कल्चर रहा। इस कल्चर को तोड़ने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया तो सबसे पहले जिजाऊ माँ साहब ने किया। जब जिजाऊ माँ साहब छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी है, जिजाऊ माँ साहब छत्रपति संभाजी राजे की दादी है, जब उनकी शादी हुई तो वो 14 साल की थी। 14 साल की शादी हुई, घूंघट में जिजाऊ माँ साहब अपने पति के घर गई, शाहजी राजा के घर गई। शाहजी राजा ने पूछा, जीजा क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है या तुम्हारी कोई शादी के बाद की इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है? शादी के बाद हर पति अपने पत्नी की इच्छा पूर्ण करता है और वो तो राजा महाराजा वाले संस्कारों से आते थे। तो जीजा से पूछा, जीजा भाई से पूछा, क्या आपकी कोई आखिरी कोई महत्वपूर्ण इच्छा है? आखिरी नहीं कह रही, कोई महत्वपूर्ण इच्छा है, कोई दिल में कोई सोच है, कोई विचार है और उसे तुम करना चाहती हो। तो देखिए हमारी शादियां होती हैं और अगर मेरे पति ने पूछा होता तो मैं क्या मांगती हूँ, हमारी औकात क्या है? एक साड़ी की, एक चप्पल, एक पर्स, सैंडल, जूते, ये हमारी सोच है। हम यही अपने पति से मांग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोने का हार बना दो, ज्यादा से ज्यादा FD डलवा दो, आज नहीं तो 10 साल के बाद काम आएगी। लेकिन जब जीजाऊ से पूछा गया
उनके पति के द्वारा तुम्हारी क्या इच्छा है? तो जिजाऊ ने कहा, मेरी ये इच्छा है कि मैं गुलाम माँ नहीं बनूंगी, क्योंकि गुलाम माँ गुलाम बच्चे पैदा करती है और स्वतंत्र प्रेमी माँ एक आजाद ख्याली पुरुष पैदा करती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा अपना राज स्थापित हो और हमारा बेटा राजा बने। गुलाम मानसिकता को खत्म करने की सोच लेकर 14 साल की बेटी शाहजी राजा के घर आई थी, इसीलिए शिवाजी वहां पैदा हुआ। नहीं तो अगर वो भी सैंडल करती, वो भी चप्पल जूते करती, वो भी साड़ी और माड़ी करती, तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज ये देखने को नहीं मिलते। छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा क्यों बनाना चाहती थी जिजाऊ माँ साहब? क्योंकि इस देश की व्यवस्था कहती है कि तेली माली कुनबी पवार सुतार धनगर लोहार ये लोग राजा नहीं बन सकते। क्या कहती है व्यवस्था? इस देश का एससी एसटी ओबीसी, अरे एससी एसटी की छोड़ो, ओबीसी राजा नहीं बन सकता, ये व्यवस्था कहती है। जिजाऊ को लगा क्यों नहीं बन सकता, बनना चाहिए, अपनी ताकत के आधार पर बनना चाहिए, लोगों के अंदर न्याय की भावना, महिलाओं को सम्मान की भावना निर्माण करने वाला राजा निर्माण होना चाहिए, सब जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाला राजा निर्माण होना चाहिए। मैं अपने कोख से दूंगी। साथियों, ये हमारी जड़ें हैं, ये जड़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूं क्योंकि इन जड़ों को हमको समझना पड़ेगा। हम अपने बाप दादा और पुरखों को तस्वीरें घर में लगाते हैं इसलिए क्योंकि भैया तुम्हारे ही वजह से आज हमारा अस्तित्व है। बाप दादा और पुरखों का तस्वीर क्यों लगाते हैं? हम ये बताने के लिए तुम्हारी वजह से हमारा अस्तित्व है। लेकिन महिलाओं, तुम्हारा वजूद तुम्हारे बाप दादा पुरखों से नहीं है, तुम्हारा वजूद इन महिलाओं से है, इन महिलाओं से है जिन्होंने अपने घर जिंदगी नहीं सवारी, जिन्होंने पर्दे बेडशीट नहीं बदली, जिन्होंने ब्लाउज के पीस मैचिंग खरीदने में समय नहीं गवाया, उन महिलाओं ने तुम्हारे लिए इस देश की ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था से लड़कर हल्दी कुमकुम शुरू किया और आज आप लोग मना रहे हैं। यही यही चीज जो है वो सावित्रीबाई फुले देखना चाहती होगी कि हर जाति और धर्म की महिलाएं एक जगह पर आए और अपने अंदर जो हॉबीज है, अपनी जो सुप्त गुण है, अपने जो कला है, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचार है उसे प्रकट कर सके, बता सके कि हाँ हम डांस कर सकते हैं, हाँ हम गीत गा सकते हैं, हाँ हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, हाँ हम में नेतृत्व कला है, हम राजनीति कर सकते हैं, हम राजपाट चला सकते हैं, और सरपंच और यहाँ तो तमाम राजनैतिक महिलाएं बैठी हुई हैं, ग्राम सभाओं से लेकर उन्होंने जिला पंचायत तक राज किया है, वो तमाम महिलाएं जानती हैं। ये तमाम चित्र सावित्रीबाई फूले और राजमाता जिजाऊ माँ साहब की देन है। वरना आज भी कहीं कहीं इन जगहों पर ऐसी भारत के अंदर ही ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है कि जब हम तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारा काम है लोगों के घर जाना, भैया चंदा दे दो, सावित्रीबाई फूले की जयंती आ रही है, भैया चंदा दे दो, सावित्रीबाई फूले की का स्मृति दिवस आ रहा है, चंदा दे दो, तो हम काम करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए, तो हम जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और जब दरवाजा खुलता है तो हमारी महिला बाहर निकलती है, थोड़ा सा खोलती है, कहाँ हो गया, कौन चाहिए, अभी चंदा चाहिए, ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, जिजाऊ माँ साहब की जयंती मना रहे हैं, अरे तो अभी तो घर पे कोई नहीं है, बाद में आइयो, कब आना है, बाद में आना है, क्यों, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, और तुम हो नहीं, हम तो कुछ नहीं है, हमारे पास थोड़ी कुछ होता है भाई, जो कुछ होता है उनका पास होता है, हमारे पति के पास, तो कब आना है, जब वो रहेंगे, और अभी कौन है घर में, कोई नहीं, हमारी महिला खुद को क्या कहती है, हम कोई नहीं है, हमारी महिलाएं ही कह रही हैं। चलो यही संस्कृति जो है जब बच्चों में जाए तो क्या होता है, बच्चों को पूछो, बुलाओ, क्या रे बेटा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मेरे पापा फलाने फलाने स्कूल में मास्टर है,
अच्छा मम्मी क्या करती? मम्मी कुछ नहीं करती। बच्चों को पूछो तुम्हारे पापा क्या कहते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। मम्मी क्या करती हैं? नहीं, मम्मी तो कुछ नहीं करती। मम्मी क्या करती हैं? घर में रहती हैं बस। तो भैया 18 घंटे महिला लगातार काम करती हैं, 24 घंटे में 18 घंटे महिला लगातार काम करती हैं। सबसे पहले उठती हैं, सबसे बाद में सोती हैं, फिर भी आप कुछ नहीं करती हैं। महिला बच्चे का नहला देती है, महिला बच्चे का डब्बा बनाकर उसको स्कूल भेजती है, कई बार उसको स्कूल छोड़ने जाती है, स्कूल से लेकर आकर आजकल महिलाएं जो है घर पे बच्चों का होमवर्क भी करवाती हैं, लेकिन महिला कुछ नहीं करती। ये महिला कुछ नहीं करती, महिला है ही नहीं, घर में कोई नहीं है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? ये क्यों हम ऐसा अपने आप को जो है अपने वजूद को स्वीकार नहीं कर रहे? ये व्यवस्था कहाँ से आई? तो जिस प्रकार इस देश की व्यवस्था ने कहा कि महिला कुछ नहीं है, जो भी है वो पति के घर जाने के बाद उसकी पत्नी है, जब पिता के घर में रह रही तो वो उसकी बेटी है, और जब बुढ़ाव हो गई है, बुढ़ापा आ गया, तो भैया फलाने फलाने की माँ है, लेकिन तुम खुद कुछ नहीं। सावित्री बाई फूले 50 वर्ष सार्वजनिक जीवन में जी हैं, 50 वर्ष, 5 दशक तक सावित्री बाई फूले ने सामाजिक काम किया, राजनीतिक काम किया, शैक्षणिक आंदोलन चलाया और महिलाओं को मजबूत बनाने का काम किया। सरकारी योजना भी महिलाओं को मजबूत बना रही है, तो आपने ये सोचना चाहिए कि महिलाओं को मजबूत क्यों बना रही हैं? क्या महिलाएं कमजोर हैं? अच्छा, अगर महिलाओं को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए सबलीकरण, सक्षमीकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, सशक्तिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो दबी रही हैं, महिलाएं जो है वो दबा कुचला समाज में शामिल रही हैं। इस देश की व्यवस्था ने कहा जैसे ढोल को पीटा जाता है, जैसे शूद्र को पीटा जाता है, जैसे जानवरों को पीटा जाता है, वैसे नारी को भी पीटना चाहिए। तो इसीलिए योजनाएं चलाई जा रही हैं कि अब आपको पीट नहीं सकते, भारत का संविधान जिंदा है, अभी आपको पीट नहीं सकते, आपको मार नहीं सकते, आपकी सोच के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती, आपकी मर्जी के बगैर आपके साथ कोई शारीरिक संबंध तक नहीं बना सकता। ये ताकत भारत का संविधान दे रही है, ये महिलाओं को अपने पन्ने पलटने की भी ज़रूरत है। हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रही हैं आज की तारीख में, बताइए। आप तमाम लोग जो हैं कई उपवास और कई नवस करती होंगे, कोई बच्चों के लिए करता होगा, कोई पति के लिए करता होगा, कोई घर संसार के लिए करता होगा। कितनी महिलाएं सावित्रीबाई फूले के नाम से घर में तैयार होती है कि आज हमारा दिवस है, आज हमारा दिन है, आज हम मिष्ठान बनाएंगे, आज हम खीर बनाएंगे। करती हैं कोई महिला? कृपया करती हो तो हाथ खड़ा कर दे। जिजाऊ माँ साहब के जन्मदिन आता है तो कितनी महिलाएं जो है वो हाथ खड़ा करती है कि अरे आज मेरा बेटा भी एक सरपंच बन रहा है, आज मेरा बेटा भी MLA MP बन रहा है, मेरा बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मेरा बेटा भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्यों? भले ही मैं SC OBC की हूँ, लेकिन बन सकता है, क्योंकि जिजाऊ माँ साहब ने वो सपना देखा, संविधान ने कहा यह सपना पूरा होना चाहिए, हर जिजाऊ का सपना पूरा होना चाहिए। अगर ये जिजाऊ सोचती है कि मेरा बेटा शिवाजी बने, मेरा बेटा महाराज बने और इस देश के अंदर न्याय की व्यवस्था लागू करे, आप भी सोच सकती हैं, क्योंकि भारत के संविधान ने कहा आपका बेटा भी सरपंच बन सकता है। इतना ही नहीं, पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं को नहीं था, इसके साथ साथ तुम्हारे बेटे बेटियों को तो नहीं था, बेटों को था क्या? पूछो, अपने घर में जाओ, अपने ससुर से पूछो, अपने पिताजी से पूछो कि पिताजी, ससुर जी, तुम्हारे पापा कितने पढ़े लिखे थे? पूछोगे तो समझ आएगा कि इस देश के अंदर हमारे सास ससुर के माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, वो थम्सअप लगाते हैं। महिलाएं तो नहीं पढ़ती थी, आज की तारीख में भी 10वीं 12वीं के बाद महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता, ये भी सत्य है, स्वीकारना पड़ेगा। एक तरफ राष्ट्रपति बन रही हैं, एक तरफ कलेक्टर बन रही हैं, एक तरफ मास्टर बन रही हैं, एक तरफ प्रोफेसर बन रही हैं, दूसरी तरफ महिलाओं की जल्दी उम्र में शादी हो रही है।
उम्र का अगर हम बात करें कि हमारी इस देश की बहुजन समाज की महिलाएं का महिलाओं का मृत्यु कब होता है, कैसे होता है। अभी हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट गई, उन्होंने बताया किस किस प्रकार के रोग होते हैं, मानसिक और शारीरिक रोग बताए, इनकी तादाद किन में है। क्या ब्राह्मणों की महिलाओं को मानसिक रोग हो रहे हैं, क्या वो त्रस्त है? नहीं। क्या सवर्णों के घर की महिलाओं को दिक्कत हो रही है शारीरिक, और हो भी रही हैं तो वो इलाज कर सकती हैं। और इसीलिए इस देश की सवर्ण महिलाएं 14 साल ज्यादा जीती हैं, हमारी महिलाएं 60-70 साल में काम खत्म है, उसके ज्यादा हमारी इस देश की 80-80 ओबीसी की महिलाएं नहीं जीती। लेकिन सवर्ण महिलाएं जो हैं वो 85 सालों तक जीती हैं, और उनके चेहरे पे, हमारे चेहरे पे जैसे काले दाग धब्बे हैं वैसे भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? न्यूट्रिशन की भी बात की हमारी डॉक्टर साहिबा ने। आप बताइए, हमारी महिलाएं तमाम SC ST ओबीसी की, तेली माली कुनबी पवार धनगार सुतार लोहार, ये तमाम महिलाएं, तमाम आदिवासी महिलाएं, तमाम चमार महार भंगी महिलाएं, बताए उनके खाने में क्या होता है, क्या होता है? भात और भाजी होती है, और हमने भी यही खाए हैं। हम कोई राजा महाराजा और कहीं पर कहीं से नहीं आए हैं, हम भी उन्हीं परिवार से आए हैं जहां पर बीड़ी बना बना कर बच्चों को पढ़ाते हैं। भात और भाजी हमारी महिलाएं खाती हैं, और भात और भाजी खाने वाली जो महिलाएं हैं वो कौन समाज की है, कहाँ की है? ये गांव देहातों में रहने वाले बहुजन समाज की महिला है। तो ये तमाम समस्याओं से आज हम ग्रस्त हैं, और उसके बाद इन तमाम समस्याओं से हमको छुटकारा पाने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं, जिसके माध्यम से आप तमाम लोगों के बीच प्रबोधन हो रहा है, और इस प्रबोधन के माध्यम से आप तमाम लोग अपने आप को सुरक्षित करें, अपने 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 हेल्थ की जो है वो हेल्थ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये तमाम बातें जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे आंगनवाड़ी के माध्यम से हो, चाहे आशा कार्यकर्ता के माध्यम से हो, आपके हेल्थ के लिए काम हो रहा है। इसका मतलब इसके पहले आपको अच्छा हेल्थ नहीं मिला। इस देश की व्यवस्था में हमारी महिलाओं का वजन 50 किलो से अधिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी महिलाओं का खान पान, हमारी महिलाओं की साड़ी पहनना, हमारी महिलाओं की साड़ी की कीमत, हमारे महिलाओं की चप्पल की कीमत, हमारे महिलाएं जो तमाम ऑर्नामेंट्स पहनती हैं उसकी कीमत, और इस देश के अंदर अदानी अंबानी और जैन पटेल जैसे लोगों के जो लोग हैं उनकी महिलाएं पहनती हैं उसकी कीमत हमको समझनी होगी। मतलब कहीं ना कहीं जो दबी कुचली महिला थी वो आज भी मुख्यधारा में नहीं आ रही हैं। उसके लिए इस प्रकार के सक्षमीकरण के कार्यक्रम, सशक्तिकरण के कार्यक्रम, तुमको मजबूत बनाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें जो है, हमारे जो आदर्श हैं जिन्होंने इस देश की व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर अपने आप को खड़ा किया, तुमको खड़ा किया, तुमको खड़ा करने के लिए काम किया, उन महिलाओं के आदर्श लेना ज़रूरी है। जिन धर्म पाखंड को आप समय देते हैं, जिस धर्म ग्रंथों को, जिस धर्म की पूजा पाठ को समय देते हैं, उतना ही समय आपको इन महापुरुषों को देना होगा। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके बच्चे जब आपको सवाल पूछेंगे कि भैया इस देश के अंदर महिला तो गुलाम थी, महिला गुलाम थी, महिला सवाल नहीं पूछा करती थी, महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को कुछ बताने का अधिकार नहीं था, तो मम्मी तुम तो थी, तुम तो बोल सकती थी, तुम तो सवाल कर सकती थी, तुम तो कह सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या बताओगे, क्या बताओगे कि इस देश की व्यवस्था ही ऐसी है? भले वो हमारे जैसी गढ़पाले की बेटी बहू हो या फिर इंदिरा गांधी हो, इस देश के अंदर महिलाओं का अपमान होता रहा है। क्यों होता रहा है? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, डैशिंग पर्सनालिटी, मैं कांग्रेस की समर्थक नहीं हूँ, महिला समर्थक हूँ, डैशिंग पर्सनालिटी, लेकिन जब वह जगन्नाथपुरी जाती हैं
और वहाँ के मठाधीश से कहती हैं कि भैया प्रधानमंत्री आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चिट्ठी भेजती हैं। तो मठाधीश वापस शंकराचार्य जो हैं, जो पूरे मठों का मालिक है, करता धरता है, कलेक्टर की जैसी, वो वापस चिट्ठी भेजता है कि मैं विधवा का मुंह नहीं देखता। क्या चिट्ठी भेजता है? मैं विधवा का मुंह नहीं देखना चाहता। ये बात किसके साथ हो रही है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ हो रही। इतना ही नहीं, महिलाओं को सम्मान कब है? महिलाओं का पुरुष नवरा जिंदा है, पति जिंदा है, तब ही सम्मान है। पति नहीं है तो वो उल्टा हो जाती है, पति को खा गई ऐसा आरोप लग जाता है। इतना ही नहीं, महिला का पति है लेकिन बच्चा नहीं है। महिला को पति है लेकिन बच्चा नहीं है। लेकुरवाड़ी नहीं हुई, उसका सम्मान है? उसे तो दुनिया बांझ कह कहकर उसकी आधी जान ऐसे ही निकाल देती। धार्मिक कार्यक्रम आप करते होंगे, हल्दी का इस्तेमाल होता है। कैसी हल्दी इस्तेमाल करते हैं आप? एक सीधी हल्दी इस्तेमाल करते हैं या इस हल्दी को थोड़ा जो नूक निकला हो ऐसी हल्दी इस्तेमाल करते हैं? अरे कैसे करते हैं? सीधी हल्दी इस्तेमाल करते हैं सिंगल, या ऐसी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं धार्मिक कार्यक्रमों में जिस हल्दी का थोड़ा सा नोक जो हो वो निकला हो, वो फर्टिलाइज हो, मतलब वो बच्चे पैदा कर सकती है, ऐसी हल्दी का इस्तेमाल करता है। मतलब इसका है ये है कि महिलाएं जो है अगर वो लेकुरवाड़ी हुई तो ही सम्मान के काबिल है, नहीं तो नहीं है। ये हमारी व्यवस्था रही। लेकिन आज के तारीख में हल्दी कुमकुम के मौके पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के संविधान ने ये तमाम रीति रिवाज परंपराओं को जिस प्रकार सावित्री बाई फूले ने तोड़ दिया, वैसा संविधान ने भी तोड़ दिया। अब तुम्हारी जो ताकत है वो दुगनी हो चुकी है। जिस प्रकार बिजली गरजती है तो आकाश बदल देती है, जिस प्रकार आंधी आता है तो दिन रात बदल देता है, उस प्रकार जब नारी ठान लेती है तो इतिहास बदल देती है, चाहे वो फिर इस देश की मनुवादी व्यवस्था का ही क्यों हो। आप भी इस प्रकार से कोई क्रांतिकारी काम करेंगे अपने जीवन में, इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय ज्योति, जय क्रांति, जय जिजाऊ। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।